नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सतना नर्सरी पे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने घर पे ही गुड़हल के फूल से सीड्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास ये पीले कलर की वैरायटी का गुड़हल का पौधा है और ये दूसरी वैरायटी जो रेड कलर का है, इसका मैंने सीड तो तैयार कर ली है जो धीरे धीरे अभी तैयार हो रहा है। देख पा रहे होंगे आप, देखिए ये देखिए काफ़ी बेहतरीन है, अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें मैंने बढ़िया से खाद डाली है। अब इसको कैसे तैयार करना है, किस तरह से ये तैयार होगा, उसके लिए मैं आपको सारी प्रक्रिया बताऊंगा। आप बस इस वीडियो पे बने रहिए, जैसे ही ये फूल खिलता है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसके सीड्स तैयार करना है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये गुड़हल का फूल एकदम खिल चुका है और अब हम इसे दूसरे गुड़हल के फूल से अच्छी तरह से क्रॉस करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसे क्रॉस कर दिया है। अब ये फूल कुछ ही दिनों में मुरझा जाएगा और मुरझाने के बाद कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से बनकर निकलकर सामने आएगा। ठीक है, जैसे ही जब ये फूल इस तरह बदलाव हो जाएगा तो इसके सूखने के बाद हम इसमें से सीड्स निकालेंगे। तो दोस्तों, आप इस तरह से गुड़हल के फूल से अपने घर पर ये सीड्स तैयार कर सकते हैं और जो एक नई वैरायटी का फ्लावर आपको देगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए कितना सुंदर फ्लावर है, कितना बड़ा, आप मेरे हाथों के आकार से ही समझ पा रहे होंगे ये फूल कितना बड़ा है। इसी तरह इसमें से जो भी सीड्स निकलेगा वो आपको एक दूसरी वैरायटी का फूल देगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।